आप लोग को पता है ऑनलाइन प्रोडक्ट लेने की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप उन प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते लेने से पहले। और जब बात होती है महंगे प्रोडक्ट की तो दिमाग में थोड़ा सा तो डर रहता ही है। सो इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, प्रोडक्ट बाय करने से पहले प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करना। सो आज वही एक्सपीरियंस करने वाले, प्लस बहुत सारे ऐसे डाउट्स होते हैं ना जो ऑनलाइन ऑफलाइन को लेके रहते हैं, उन सभी का जवाब हम यहाँ पर ऑफलाइन मार्केट से ढूंढने वाले। सो मेक श्योर करना कि वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि हम एक लैपटॉप लेने वाले हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, तो इसलिए ग्राउंड रियलिटी जानना बहुत जरूरी है ऑफलाइन मार्केट। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। So, जब बात होती है लैपटॉप की तो एक नाम हमारे दिमाग में जरूर आता है, ASUS का, क्योंकि यहाँ पर बजट से लेके हाई परफॉर्मेंस सेंट्रिक सभी टाइप के लैपटॉप आपको मिल जाते हैं। सो हम आ चुके हैं ASUS के ऑफलाइन स्टोर पुणे में, तिलक रोड सदाशिव पेट पे। सो अगर बात करें स्टोर की तो ये पुणे का सबसे बड़ा स्टोर है। यहाँ पर आपको सारे लेटेस्ट लैपटॉप्स भी देखने को मिल जाएंगे, इनफैक्ट लेटेस्ट रॉग एली भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ऑल इन वन डेस्कटॉप भी देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर काफी ट्रेन्ड स्टाफ आपको देखने को मिल जाएगा जो आपको बेस्ट लैपटॉप लेने में पूरी पूरी हेल्प करेंगे। सो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, हमें चाहिए था एक प्रोडक्टिविटी के लिए लैपटॉप, तो उसी के लिए हमारे साथ है यहाँ पर राजेश साहब जी। सर हेलो। तो अभी ये हमें गाइड करेंगे बेस्ट लैपटॉप के लिए, लेकिन उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना हमारे दिमाग में, तो वही क्वेश्चंस मैं आप सभी के कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि अगर हम लैपटॉप ऑनलाइन लेते हैं और ऑफलाइन लेते हैं तो दोनों में कुछ फर्क रहता है, लाइक बिल्ड वाइज या वारंटी क्लेम करते टाइम कुछ ऐसा इशू आता है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी की अगर बारे में बात करेंगे ना, तो ASUS के पास वो रेंज है प्रोडक्ट्स के जो मार्केट में आपको किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेंगे। ऑनलाइन और अगर ऑफलाइन की बात करेंगे हम लोग, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप फील नहीं कर पाते, उसके लाइव डेमोज आप नहीं ले पाते। बट यहाँ पे जैसे ही आप ऑफलाइन प्रोडक्ट खरीदने आते हैं ना, तो आपको लाइव डेमोज मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके जो हार्डवेयर है वो आप प्रॉपरली फील कर सकते हैं। जब ऑफलाइन में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको फिजिकल हार्डवेयर भी चेक करने को मिलता है, जिसकी वजह से आप गलत प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकते। सो गाइस यही चीज है, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो आप उसे फील करके एक्सपीरियंस करके नहीं चेक कर सकते, ऑफलाइन आएंगे तो आप वो प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। तो यहाँ पर राजेश जी, जो दूसरा क्वेश्चन था मेरा कि वारंटी क्लेम करते टाइम कोई इशू आता है अगर हम ऑनलाइन लेते हैं या ऑफलाइन लेते हैं, वैसा कुछ? जी बिल्कुल, वारंटी रिलेटेड भी अगर मैं बात करूं, जब हम लोग प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं तो डायरेक्टली अगर कुछ भी ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स आते हैं तो कस्टमर को बहुत हैसल होता है, उसकी वजह से डायरेक्टली उनको सर्विस सेंटर के थ्रू हेल्प लेना पड़ता है। जैसे ही अगर उसके कंपेयर के साथ ऑफलाइन में लेते हैं तो डायरेक्टली कस्टमर बेसिक रिगार्डिंग कुछ भी ट्रबल शूटिंग प्रोडक्ट रहेगा तो हमारे पास आ सकते हैं, हमारे पास टेक्निकल बंदे भी अवेलेबल्स होते हैं और बेसिक ट्रबल शूटिंग के रिलेटेड हम लोग भी उसके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा के दे देते हैं यहाँ से। यही रहता है वारंटी, अगर आप क्लेम करना चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, वैसे तो दोनों में ही क्लेम हो जाती है, लेकिन ऑफलाइन में एक प्लस पॉइंट रहता है, अगर आप जिस स्टोर से ले रहे हैं तो वहां पर उस स्टोर में आप आ सकते हैं दोबारा से, अगर कुछ ट्रबल शूटिंग रहेगा, अगर इशू छोटा मोटा होगा तो वो स्टोर में ही ठीक करके दे देंगे, अदरवाइज आपका अगर ज्यादा बड़ा इशू होगा तो उसको वो यहाँ पर आपको एक बंदा असाइन करेंगे, देन आपको यहाँ पर सर्विस सेंटर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये प्लस पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है, प्लस एक्सटेंडेड वारंटी की भी बहुत सारी चीज़ें वो आपको आगे चल के हम बताने वाले हैं। सुराज जी, एक और क्वेश्चन है मेरा कि कुछ ऐसे लैपटॉप भी हैं कि जो ऑनलाइन नहीं आते हो और ऑफलाइन नहीं आते हो, ऐसा भी कोई सीरीज है? वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स कभी कभी ऑनलाइन आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और न्यू लॉन्च प्रोडक्ट कभी कभी ऑनलाइन फौरी तौर पर नहीं लॉन्च हो पाते हैं, तो डेफिनेटली आपको ऑफलाइन में है ना उसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट में वो भी देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा कोई सीरीज है कि जो ऑनलाइन नहीं आती हो या ऑफलाइन नहीं आती हो, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों? नहीं, ऐसा तो कोई मोस्टली डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि ASUS जो है रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन सिमिलर ही देते हैं। सुराजी जी, यहाँ पर रेंज ऑफ प्रोडक्ट है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, इसके बारे में आप बता सकते? बिल्कुल, ASUS में अगर आप प्रोडक्ट बाय करने आए तो जरूर यहाँ पर एंट्री लेवल प्रोडक्ट स्टार्टिंग रेंज 28,000 रुपीज से लेकर 2 से 2.5 लाख रुपए तक के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो कि एंट्री लेवल से मिड लेवल से लेकर प्रो लेवल तक के सभी कैटेगरीज कस्टमर यहाँ पे चूज ऑप्शन अच्छा मिलेगा। तो जैसे नॉर्मल कोई स्टूडेंट है उसके लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप रहेगा, वो आप बता सकते हैं अभी जो स्टोर में अवेलेबल है आपके पास? जी बिल्कुल, एंट्री लेवल स्टूडेंट्स टाइप यूज के लिए हमारे पास एक बढ़िया मॉडल है, यहाँ पे एक ASUS VIEWBOOK 14 सीरीज रखा हुआ है जो कि स्टार्टिंग रेंज इसका 33,000 रुपीज है। ठीक है, इसमें जैसे कि स्टूडेंट्स हल्की फुल्की गेम्स भी खेल सकते हैं,
हैं, उनको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो डेटा एंट्री पे काम करना होता है वो भी कर सकते हैं, पेंटिंग्स के काम कर सकते हैं। इसमें प्रोसेसर, रैम वगैरह कितना मिल जाता है? एएमडी का प्रोसेसर यूज किया है जो राइजन 3 है, जो कि लेटेस्ट जनरेशन में आ रहा है उनका 7000 सीरीज, और इसमें रैम भी अच्छा यूज किया है, DDR4 का 8GB रैम है, और प्लस SSD M.2 का यूज किया गया है जो कि 3.0 512GB स्टोरेज देता है। और बाकी ऑफिशियली इसमें विंडोज 11 है लाइसेंस, होम बेसिक वाला, MS ऑफिस 2021 का आता है, होम एंड स्टूडेंट। अगर जैसे किसी को इसमें रैम अपग्रेड कराना हो तो रैम अपग्रेड हो जाती है? जी बिल्कुल, अगर किसी को रैम की स्पीड की जरूरत होगी तो इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं, और अगर उसको कराना भी है तो हम लोग भी यहाँ से करा के दे दें। तो आप इसमें रैम भी एक्सपेंड कर सकते हैं, एज अ स्टोरेज भी एक्सपेंड कर सकते हैं, डजेंट ऑफ नीड, मतलब जैसे कस्टमर का नीड रहेगा वो हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर। प्लस इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो मतलब इसको इस रेंज में बेस्ट बनाते हैं? जब उनको एक्सेल पे काम करना होता है तो उनको नंबर पैड की भी जरूरत होती है, इसमें नहीं दिया गया, बट उसमें उससे बेटर फीचर्स दिए गए, वो जैसे कि यहाँ पे एक टच पैड दिया है, ये डिजिटल टच पैड है, डिजिटल टच पैड के ऊपर नंबर्स दें, जिसे डिजिटल नम पैड कहते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट्स होते हैं विदाउट इंटरप्शन यहाँ से टाइप करने के बाद यहाँ से इजीली फास्ट टाइप कर सकते हैं। सो यहाँ से माउस का काम भी हो जाता है और टाइप मतलब नंबर वगैरह अगर हमें टाइप करने हो तो वो यहाँ से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोशन टच पैड के ऊपर ऑन और ऑफ का भी बटन दिया गया, तो जब भी आपको टच पैड यूज करना होगा आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और जब भी नंबर यूज करना रहेगा तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। सो गाइज, ये लैपटॉप था बजट रेंज के लिए, जिनका बजट 35,000 तक है तो आपको 35,000 के भी लैपटॉप मिल जाएंगे, इनफैक्ट 28,000 के भी लैपटॉप हैं, फिलहाल वो डिस्प्ले पे नहीं है लेकिन आपको स्टार्ट होते हुए 28,000 से मिल जाएंगे। सो राजी जी, जैसे बहुत सारे हमारे ऑडियंस में गेमर्स हैं आई नो, तो गेमर्स के लिए कहाँ से उनका बजट स्टार्ट हो जाता है आपके यहाँ पर लैपटॉप्स, और कहाँ तक वो एक्सटेंड होता है? जी बिल्कुल, कि गेमिंग लैपटॉप्स के बारे में अगर मैं बताऊँ तो गेमिंग लैपटॉप सबसे कम रेंज जो है वो ASUS में ही मिलेगा, 55,000 रुपीज़ इसका स्टार्टिंग रेंज है, और 55,000 रुपीज़ से 57,000, ऐसे दो मॉडल्स कंपनी ने लॉन्च भी किए। उसमें कौन सा मॉडल होगा? उसमें जो सीरीज आती है लैपटॉप की वो टफ F15 सीरीज है, जो कि एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप से थोड़ा सा हार्डकोर गेमिंग भी खेल सकते हैं उसमें, तो वो भी एक बढ़िया मॉडल है जिसमें MS ऑफिस नहीं आता है, बट उसमें कंपनी ने और एक ऑप्शन रखा है जिसमें MS ऑफिस आता है, वो भी H024W है, बट उसमें WS है। का प्रोसेसर, रैम वगैरह क्या है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है लैपटॉप? जी बिल्कुल, इसमें इंटेल के प्रोसेसर आते हैं 11 जनरेशन में, रैम भी अच्छी दी है 8GB, जिसमें 32GB तक कस्टमर एक्सपांड कर सकते हैं, 512GB का इसमें स्टोरेज दिया है, और उसके अलावा उसको बगैर निकाले सेकेंडरी स्लॉट दिया है तो उसमें 2TB का SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स भी रखा हुआ है। Okay, और इसके बाद जो दूसरा, अगर किसी का थोड़ा सा बजट हाई इंटेंसिव गेम करना चाहता है और 1,00,000 के अंदर का बजट है, तो उसके लिए आप कौन सा रिकमेंड करें? उनके लिए हम लोग दो प्रोडक्ट्स रेफर करते हैं, एक F15 सीरीज है जो i7 प्रोसेसर में आती है, और जो दूसरा सीरीज है हमारा ROG सीरीज है जो कि गेमिंग सेगमेंट मोड में आता है, कैटेगरी मोड में आता है, तो हम लोग उनको ये वाला रेफर करते हैं। उनमें आपके पास मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी उसकी? i7 12 जनरेशन प्रोसेसर में आते हैं, और रैम उसमें अच्छी दी है 16GB, स्टोरेज भी 1TB SSD आएगा, और प्लस उसमें 4GB का RTX 3050 Ti ग्राफिक्स भी आएगा सर। लेकिन अगर किसी को रैम 32GB करना हो तो एक्सटर्नल उसमें स्लॉट रहता है? इसमें 16GB रैम जो है वो 8GB की दी है, कस्टमर अपने यूज के हिसाब से अप टू 32GB तक उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। सो गेमिंग लैपटॉप में एक दिक्कत रहती है कि हीटिंग के इश्यूज आते हैं, तो यहाँ पर ASUS मतलब कि कूल रखने के लिए क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं? जी इसमें टेक्नोलॉजी की अगर बात करेंगे तो ASUS में थर्मल कूलिंग प्रोसेसर्स आते हैं, जिसके जो फैन ब्लेड्स है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है और बड़े फैंस है, यानी कि एक फ़ैन में 84 ब्लेड्स आते हैं, तो ऐसे ड्यूअल फैन दिया गया है। उसके अलावा 4 कॉपर पाइप्स भी दिए गए हैं, जिसमें से हीट ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट से आउट हो जाती है, और अगर आपको गेमिंग हार्डकोर परफॉर्मेंस मोड पे भी ले जाना है तो उसमें आर्मरी क्रेट एक सॉफ्टवेयर भी दिया गया है इसमें, उसके थ्रू आप गेमिंग बूस्ट भी कर सकते हैं। सो जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए था जिसमें बेस्ट मतलब कि कलर आउटपुट मिले, क्योंकि बहुत सारे हमें कलर ग्रेड वगैरह करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें कौन सा बेस्ट रिकमेंड करें राजीव जी? आप कंटेंट क्रिएटर अगर है तो आपको कलर एक्यूरेसी भी अच्छी चाहिए होगी, तो इस हिसाब से मेरे दिमाग में मैं आपको ZenBook सीरीज रेफर करूंगा, क्योंकि ये सबसे बेटर सीरीज है कंटेंट क्रिएटर के लिए, जैसे कि ट्रैवलिंग अगर आपका यूज होगा, कलर एक्यूरेसी आपको अच्छी चाहिए होगी, बैठे बैठे आप एज ए लैपटॉप मोड के बजाय उसको टेंट मोड, टैबलेट्स मोड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Okay. ये एज इसको टैबलेट मोड आप कर सकते हैं, यानी अच्छा। इस मोड पर आप इजीली सोफा पर बैठ कर इसमें सभी काम इजीली कर सकते हैं, मतलब ये 360 डिग्री पूरा घूम जाता है, और इसे एज अ हम टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, एज अ लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये टच स्क्रीन भी है।
जी बिल्कुल, ये टेंट मोड पर भी जाता है। अगर आप टेबल पर भी बैठ के आराम से काम करना चाहते हो तो इसको एज ऐसे टेंट मोड पर भी रख सकते हैं। अगर वेट के बारे में भी बात करेंगे तो इसका वेट 1.64 केजी है, तो उस हिसाब से आपको लाइट वेट भी मिलेगा, एकदम सुपर बैटरी बैकअप भी है। सो ये वाला पार्ट इसका डिटैच भी होता है? नहीं, ये डिटैच नहीं होता है, ये बस आपको 360 फ्लिप हो जाता है। इसे ASUS ZenBook Flip सीरीज कहा जाता है। और इसकी कलर एक्यूरेसी वगैरह? जी, इसमें 100% कलर एक्यूरेसी कलर गैमट दिया गया जो कि DCI P3 है। अगर मेरे को जैसे कोई एक्सटर्नल मॉनिटर अटैच करना हो? जी, इसमें बिल्कुल एक थंडरबोल्ट पोर्ट दिया है जो कि 4.0 आता है, और HDMI पोर्ट 2.1 भी दिया है। यानी कि इसके थ्रू क्या होता है, जब आप कोई वीडियो कंटेंट नया बना देते हैं 4K आउटपुट में, तो उसको अगर 4K डिस्प्ले में आउट करना होगा तो वो 4K डिस्प्ले में भी सेम आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ ही साथ HDR का सपोर्ट भी है इसमें? जी बिल्कुल, हाई डायनेमिक रेंज इसमें सपोर्ट दिया है। और इसमें रैम कितनी, प्रोसेसर कौन सा है? इसमें प्रोसेसर लेटेस्ट i7 12th जनरेशन का यूज़ किया गया है। रैम भी अच्छी है इसमें, DDR5 की 16GB रैम है। और अगर स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें अप टू 1TB SSD स्टोरेज मिलेगा। ग्राफिक कार्ड? जी, इसमें इंटेल आयरिस का XE4GB का डेडिकेट ग्राफिक कार्ड दे दिया। अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये किस प्राइसिंग पे आता है? जी, इसका प्राइसिंग एक वैल्यू फॉर मनी ही है, 1,35,000 इसका प्राइस है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो ये लैपटॉप काफ़ी आपके हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए रहती है। तो आप इसे बिल्कुल पूरा घुमा के यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, फुल टच स्क्रीन आपको मिल जाती है। तो ईजिली अगर आप एडिटिंग वगैरह करते हैं या फोटोज़ एडिट वगैरह करते हैं तो आप आराम से स्टाइलस पेन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। सो ASUS की सबसे सुपर प्रीमियम सीरीज़ बोलते हैं ZenBook। सो ZenBook सीरीज़ जो है ये बाकी सीरीज से मतलब कैसे डिफरेंट है? ZenBook सीरीज़ के बारे में इतना ही बताऊंगा कि ये सुपर प्रीमियम कैटेगरी इसीलिए कहलाई जाती है क्योंकि इसमें मटेरियल क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, प्लस बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा आता है नॉर्मल लैपटॉप्स के कंपैरेटिव। और इसमें जो कलर डिस्प्ले होते हैं इसमें 100% कलर गैमट्स आते हैं। आउटपुट के लिए पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे दिए जिसका स्पीड अच्छा। सो गाइज, अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो ZenBook सीरीज आपके लिए परफेक्ट चॉइस रहेगी, और ये सुपर प्रीमियम इनकी कैटेगरी में आता है तो आपको कोई भी यहाँ पर जो है फीचर मिसिंग नहीं लगेगा। सो अब एक क्वेश्चन रहता है दिमाग में, अगर हम ऑफलाइन लेते हैं प्रोडक्ट तो यहाँ पर क्या अलग ऑफर्स देखने को हमें मिल जाते हैं? जी बिल्कुल, ASUS जो ऑफर्स देते हैं वो ऑलमोस्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन सिमिलर ही होते हैं। बट कभी कभी किसी चीज़ें क्या होती है ना कि कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदने के बाद में उन्हें ऑफर्स क्या चल रही है ASUS की तरफ से उनका पता नहीं होता है। बट जब वो कस्टमर ऑफलाइन में इंक्वायरीज के लिए आते हैं तो उन्हें हम लोग बता सकते हैं कि ऑफर्स चल रही है। जैसे कि अभी ASUS ऑफर्स दे रहा है, 99 रुपीज में एडिशनल 1 ईयर वारंटी दे रहे हैं जो कि वीवो बुक सीरीज पर भी आते हैं। मतलब 1+1 2 ईयर्स की वारंटी हो जाएगी? जी बिल्कुल, 2 ईयर्स की हो जाएगी। तो ये मतलब सभी लैपटॉप्स में रहते हैं या पर्टिकुलर लैपटॉप्स की? नहीं, ये वीवो बुक सीरीज के लिए 99 रुपीज़ की ऑफर्स होती है, उसके अलावा टफ सीरीज पे 999 रुपीज़ की ऑफर है। और जैसे ZenBook किसी ने लेना उस पे कितने का लगेगा? जी बिल्कुल, ZenBook के ऊपर भी 999 वारंटी चल रही है, एडिशनल 1 ईयर। मतलब 999 दिया देन 1+1 आपको 2 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ अलग ऑफर्स मिलते हैं? एक्सेसरीज वगैरह कुछ फ्री मिलती है? जी, उसके अलावा एक्सेसरीज के भी ऑफर्स देते हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में भी, लेकिन वो एक्सेसरीज जिस तरह बताए जाएंगे तो वो ऑनलाइन नहीं बता पाएंगे, हम लोग वो बता देते हैं। जैसे कि अभी एक माउस है 1500 WT 300, तो ये माउस जो आ रहा है 1500 का आता है ऑफलाइन, लेकिन हमारी तरफ से अगर वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम लोग वो कस्टमर को 99 रुपीज में अवेल करा के। तो ये चीजें अगर कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट लेता है उनको भी मिलता है सेम ऑफर या नहीं मिलता है? जी, उन्हें भी मिलता है बट उन्हें गाइड करने वाले कोई नहीं होता है। सो मेन कंसर्न ये है कि जब हम ऑनलाइन लेते तो बहुत सारे ऑफर शायद हमें पता नहीं रहते हैं, लेकिन ऑफलाइन में आओगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर गाइड की जाएगी और जो ऑफर्स चल रहे होंगे प्रेजेंटली उस टाइम पे तो आपको सारे ऑफर्स की जानकारी भी दी जाएगी। इस टाइम पे जो प्रेजेंट चल रहे हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये ऑफर्स आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग में हमने एक बात की थी कि वारंटी कैसे क्लेम करना है, वारंटी के लिए क्या क्या, आपको पता है ऑनलाइन लेते हैं तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, बट ऐसा क्या है ऑफलाइन में कि आपको ऑफलाइन में अगर आप वारंटी क्लेम करते हैं तो क्या अलग चीजें यहाँ पर रहेंगी? जी बिल्कुल, सर्विस रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करेंगे ऑफलाइन में तो कस्टमर डायरेक्टली हमारे सेल्स ऑफिस पर आ सकते हैं, यहाँ से भी उनका कंप्लेंट लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से एक उनको एक हेल्प ये मिलती है कि यहाँ से कंप्लेंट लॉक करने के बाद में जो बंदा है सर्विस सेंटर का वो उनके ऑन साइट सर्विस पे फ्री कॉस्ट जाता है, और प्लस उनका जो लैपटॉप है वो कलेक्ट कर लेता है और उसमें कुछ भी अगर क्रिटिकल डैमेज रहेगा तो वो कवर करके फिर से उनके घर पर पहुंचा देता है फिर। तो ये जो हमने एक्सटेंडेड वारंटी ली उस पर भी ये लागू होती है सेम चीज़? जी बिल्कुल, एडिशनल 1 ईयर वारंटी या एक्सटेंडेड जितने भी साल की वारंटी लेते हैं उसमें वो भी कवर होता है, ऑन साइट फ्री होता है। तो मतलब आप लोग को कहीं पे घर से जाने की जरूरत नहीं है, सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, ऑन साइट वारंटी मिलती है। आपके घर में बंदा आएगा, वो चेक करके जाएगा, अगर क्रिटिकल इश्यूज होगा तो वो लैपटॉप साथ में लेके जाएगा एंड वापस दे के भी जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि सर्विस सेंटर बहुत सारे
टाइम पे ना बहुत दिक्कत वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर बात करें सर्विस सेंटर की, तो कितने सर्विस सेंटर ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पर हैं? जी, ऑल ओवर इंडिया में 262 टोटल सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है पूरे इंडिया में, और नियर बाय हर लोकेलिटीज़ में मिनिमम 2 सर्विस सेंटर्स एसोस की तरफ से रखे गए हैं। अगर अभी हम पुणे में हैं, पुणे की बात करें, तो यहाँ पर पुणे में कितने सर्विस सेंटर हैं? पुणे में टोटल 5 सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं, जो कि नियर बाय लोकेलिटीज़, यानी कि कस्टमर जहाँ पर भी रहते हैं उनकी नियर बाय लोकेशंस पे वो प्लेस किए गए हैं। प्लस एक और चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, तो क्या इन जो भी हम लैपटॉप अगर इंडिया से लेते हैं तो इंटरनेशनल वारंटी क्लेम कर सकते हैं उन पर? जी बिल्कुल, ASUS एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंटरनेशनल वारंटी इनके एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स के साथ में ही स्टार्ट होती है, जो कि 28,000 से अबव 3 लाख तक की भी प्रोडक्ट के साथ में इंटरनेशनल वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है सर। तो मतलब कोई सा भी लैपटॉप लो, अगर इंडिया में ले रहे हो या कहीं और देश से भी ले रहे हो, तो आपको उसकी वारंटी कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप जहाँ पर ASUS का सर्विस सेंटर वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कस्टमर्स कहीं पे भी रीजन के हो गए तो वहाँ पर भी उनको वो सर्विस प्रोडक्ट रिगार्डिंग वारंटी मिल जाएगी, ना उन्हें कहीं रजिस्टर करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। और अभी राजी जी मुझे एक और चीज़ बता रहे थे कि 2023 से जो है जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं बजट रेंज से लेके हाई एंड में, पहले हाई एंड लैपटॉप में ये सारी चीजें आती थी कि आपको मिलिट्री ग्रेड की टेस्टिंग मिलती है, लेकिन अभी जो है आपको सभी लैपटॉप में बजट से लेके हाई एंड तक सभी में मिलिट्री ग्रेड टेस्टिंग मिल जाती है। तो इसमें क्या एडिशनल? जो सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड 810H का सर्टिफिकेशन ग्रेड देने वाली कंपनी है, जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेशंस देती थी। और मतलब इसमें क्या अलग रहता है कि मिलिट्री ग्रेड में क्या टेस्टिंग होती है? मिलिट्री ग्रेड टेस्टेड प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट को हर एनवायरमेंट में चेक किया जाता है, जैसे कि हम लोग मरीन्स के नीचे जाते हैं तो लैपटॉप वर्क करना बंद हो जाते हैं, तो उस टेस्टेड में भी ये प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। तो जैसे कि हम लोग किसी भी एनवायरमेंट में लाइक एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में जाएं तो लैपटॉप वर्किंग होने चाहिए वैसा? जी बिल्कुल, वहाँ पर भी उनका रिस्पांस टाइम वही मिलेगा जो नॉर्मल का एनवायरमेंट्स में होते हैं। गाइज, ये एक अच्छी चीज़ है कि आपका जो लैपटॉप आपको मिल रहा है वो मिलिट्री ग्रेड टेस्टेड है। तो ये चीज़ें पहले सुपीरियर लैपटॉप्स में ही रहती थी, लेकिन अभी जो आपको ऑलमोस्ट सभी यहाँ पर लैपटॉप में देखने को मिल जाती है। सो बहुत सारे लोग बिजी रहते हैं, जैसे अपने डे टू डे टास्क में, लाइफ में बिजी हैं, अब उनको अगर कुछ यहाँ पर इंक्वायरी करनी हो तो मतलब कैसे इस चीज़ में आपकी तरफ से क्या हेल्प की? बहुत सारे बिजी कस्टमर्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है कि वो ऑफलाइन स्टोर विजिट कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पर पुणे में, जैसे कि यह हमारा स्टोर है तो उनके नियर बाय लोकेलिटीज में हमारा स्टोर गूगल पर दिखाई देता है, अगर वो वहाँ पर इंक्वायरी करते हैं प्रोडक्ट रिगार्डिंग ASUS की, तो यहाँ पर हमारे उनकी लीड्स जनरेट हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उनको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उन्हें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और अगर वो इनकेस बहुत ज्यादा बिजी होंगे और कॉल नहीं उठा पाते तो हम लोग उनको व्हाट्सएप चैट के थ्रू भी हेल्प कर देते हैं। सो अगर कस्टमर को काम करते करते कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग करनी हो तो क्या वो खुद से सारी चीजें कर पाए? कुछ ऐसा है मतलब कि सॉल्यूशन लैपटॉप में ही? जी बिल्कुल, हर बार तो ऑनसाइट सर्विस अवेलेबल नहीं होती है कस्टमर के इमरजेंसी प्रॉब्लम में, तो उसके लिए ASUS ने एक बहुत ही हेल्पिंग एप्लीकेशन बनाया है जिसको माई ASUS एप्लीकेशन कहा जाता है। ये यहाँ से आप डायरेक्टली शॉर्टकट की के थ्रू भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं F12 की के जरिए, या फिर डायरेक्टली आप टास्क बार में भी यहाँ पे जाके एक माई एप्लीकेशन ASUS है उसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं। ये जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये ओपन होने के बाद कुछ इस तरह की दिखाई देती है। तो इसमें कस्टमर को सपोज कभी ब्लू स्क्रीन एरर आ जाता है, या फिर ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर ड्राइवर्स अपडेट नहीं होते हैं, ड्राइवर एरर्स आते हैं, हार्डवेयर एरर्स आता है, तो कस्टमर डायरेक्टली माई ASUS में जाकर यहाँ पर ट्रबल शूटिंग और ये सब सारी चीज़ें ना डायग्नोस करके चेक कर सकते। सो जैसे कि ASUS वालों ने बहुत सारे लैपटॉप्स नोटबुक सीरीज में भी एंड गेमिंग सीरीज में लॉन्च किए, तो मेरे को एक डाउट है कि कौन से लैपटॉप सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रिफर किए, तो कौन सी सीरीज सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ परचेज की लोगों ने? अगर उसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे तो ज़्यादा इंक्वायरी हमारी गेमिंग सेगमेंट में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि उसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और गेमिंग कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम लोग गेमिंग लैपटॉप सजेस्ट करते हैं। और उसके अलावा जिसका वीडियो एडिटिंग, जिसको कलर एक्यूरेसी अच्छी चाहिए होती है और पोर्टेबल चाहिए होते हैं लाइट वेट्स, तो हम उनको ZenBook सीरीज बता देते हैं। और बहुत सारे कस्टमर ZenBook सीरीज और गेमिंग लैपटॉप्स के ROG सीरीज खुद रेफर करके आ जाते हैं। और उसके अलावा किसी को अगर 15 इंचेस में बड़ा स्क्रीन साइज, अच्छा स्क्रीन कलर एक्यूरेसी में चाहिए, तो हम लोग उन्हें क्रिएटर बुक सीरीज रेफर करते हैं। सो गाइस, यहां पर ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन स्टोर की मैंने एक्सपीरियंस करवा दी। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और हमने जो यहां पर लैपटॉप खरीदा है वो है ASUS का ZenBook Flip 14। सो ये जो लैपटॉप है ये हमारे लिए बेस्ट रहा, क्योंकि एज अ क्रिएटर हमें बहुत ज्यादा
कलर ग्रेडिंग वाली चीजें करनी पड़ती हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पर राजीव जी ने यहाँ पर थैंक यू सर उन्होंने हमें ये लैपटॉप रिकमेंड किया है एंड आई होप सो ये लैपटॉप के साथ मेरा एक्सपीरियंस सही रहेगा। सो मेरी तो हो गई शॉपिंग कंप्लीट, हम चले ओके बाय।